ये क्या है पूरा मामला, जो घटना घटी है उसमें एक लोगों की मौत हुई है, दो लोग घायल हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है कि स्थिति को नियंत्रण में करें और चिन्हित करें कौन लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। सत्ता के दम पर अगर कोई ये चाहेगा कि लोकतंत्र को हम उसका गला घोटें, बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये संभव नहीं है। ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, जिनकी जाने गई है उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये दुखद मौत है और इस तरह की घटना का कोई समर्थन नहीं करता है। हम सबसे अपील करेंगे कि कुछ लोगों के बहकावे में ना आए। अब जनता जनता की अदालत में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, सभी लोग हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं और कोई भी आपस में कोई तनाव उत्पन्न न करें। आपसी भाईचारा किसी भी कीमत पर बनाए रखें। वोट की चोट से सबक सिखाने का काम जनता कर रही है, यही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कल भी ये घटना घटी थी, कल भी आपस में हुआ था विवाद और आज गोलीबारी तक ये मामला। उसी से इस घटना को देखा जा रहा है, कल जो घटना घटी थी उसी को लेकर के आज इस तरह की घटना की बात सामने आ रही है। पूरे मामले की तहकीकात करने के बाद प्रशासन को ये बताना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं, किनके कारण इस तरह का घटना घटा है, कौन जिम्मेवार है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन बहुत जगहों पर ये चलाया जा रहा है कि आरजेडी पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता वोट कर रहे हैं, वोट लोगों को करा रहे हैं। कहीं भी हिंसा का स्थान या इसको बढ़ावा देने का काम हमारी पार्टी, हमारे नेता नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग सत्ता के दम पर इस तरह का काम कराने में संलिप्त हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए कि क्यों इस तरह की घटना घटी। शासन प्रशासन उनकी है, कहाँ है, सोया हुआ है शासन प्रशासन। तो इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर जल्द से जल्द प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी करारी हार सामने देखकर धुआंधार प्रचार बिहार में कर रहे हैं, लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार के ऊपर अपना प्रेम दिखा रहे हैं। लेकिन 10 वर्षों से उनको बिहार याद नहीं आया। जो जो वादा किया बिहार के लिए कोई पूरा नहीं किया, तो सिर्फ वोट के लिए चुनाव के समय उनको बिहार याद आता है। तो इस बार बिहार की जनता भी सबक सिखाने के लिए तैयार है और बिहार की जनता ने जो संदेश दिया है वो पूरे देश में हवा बदल गई है बीजेपी के खिलाफ, आदरणीय मोदी जी की सरकार के खिलाफ। तो 4 जून को मोदी जी सरकार की विदाई है, उसकी पटकथा, उसकी शुरुआत बिहार ने ही की है, इसलिए आदरणीय मोदी जी ये बिहार में अपना प्रेम दिखा रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब से आरक्षण के हितैषी हो गए? जातीय जनगणना तो कराई नहीं, उसका रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं किया था। तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कह रहे थे आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर जब पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी फंस गई, तो अब ये उल्टा कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा काटकर। आरक्षण कभी भी धर्म के नाम पर सामाजिक आधार होता है। कई बार इस पर जो है बातें सामने हमारे नेता और इंडिया गठबंधन के लोगों ने रखा है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। अब ये झूठ का फैक्ट्री नहीं चल सकता है, इस पर ताला लगने वाला है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सब कोई दांव आपका काम नहीं आएगा। हरियाणा की रैली में अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस झूठ फैला रही और अगर बीजेपी को बहुत मिला तो आरक्षण खत्म कर देगा, जब तक बीजेपी संसद में कोई नहीं छू सकता आरक्षण। अरे, बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। आदरणीय अमित शाह जी तो हर बात पे कह रहे थे कि ये चुनाव का जुमला था,
तो आदरणीय अमित शाह जी के बातों पर कौन विश्वास करेगा देश की जनता, जिन्होंने कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये सब जुमला था, यही आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे। अब ये किसको झूठा कह रहे हैं, जो खुद ही झूठ का एजेंसी लेकर CNF चला रहे हैं, तो वो दूसरे को क्या कहेंगे। अरे अमित शाह ने ये भी कहा है कि PM मोदी है जो पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता है वो पाकिस्तान मत मांगो कहते हैं, कब्जे वाले कश्मीर में बस परमाणु बम है, POK भारत में हम लोग भारत में पाकिस्तान। अरे मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा मकान रोजगार, और ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान, इतना चुनाव में इनको पाकिस्तान क्यों याद आता है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान पर क्या प्रहार करेंगे, पहले उनको बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, गरीबी पर, महंगाई पर प्रहार करना है, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पर क्या प्रहार करेंगे। पाकिस्तान से और देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश के 140 करोड़ जनता तैयार है, सक्षम है। ये सब जो BJP राग अलापती है, ये सब कोई चुनाव में काम नहीं आएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पिछली बार बेगूसराय से कन्हैया कुमार खड़े हुए थे उनके खिलाफ, तो 4 लाख वोटों से हराया था, और टुकड़े टुकड़े गैंग जो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर राहुल गांधी के साथ चले गए। अब मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी अमर्यादित भाषा है वो जनता के खिलाफ। देखिए लोकतंत्र में जनता कभी जिसे अर्श पर पहुँचाती है उसे फर्श पर पहुँचा देती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार जनता ने अगर किन्हीं को अपार जन समर्थन से जिता दिया तो बार बार वो जीत की गारंटी ले लेंगे। आदरणीय मोदी जी की ही गारंटी फेल है तो फिर बाकी उम्मीदवार तो भगवान भरोसे हैं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में जब भी कोई संकट आता है तो देश छोड़कर भागने वालों में राहुल गांधी का नाम सबसे पहले आता है, उन्हें पहले कांग्रेस ने आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता की है। देखिए देश में जब जब संकट आया है तब तब भागने का इतिहास BJP RSS वालों का है, कितने वर्षों तक राष्ट्र ध्वज जिन्होंने नहीं फहराया, जिनकी आज़ादी के लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, वो राहुल गांधी जी पर क्या सवाल खड़े करेंगे, जो राहुल गांधी जी के परिवार में दो दो प्रधानमंत्री उनके पिताजी और दादी ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको राहुल गांधी जी पर सवाल उठाने का कोई नैतिक बल नहीं है, पहले अपना प्रदेश संभालने यही बहुत है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन को जेल जाना लोग कह रहे हैं, अब ये जनता से अपील किया कि आप पर निर्भर करता है, अगर भाजपा को बटन दबाएंगे तो वो जेल जाएंगे और अगर झाड़ू छाप आएंगे तो वो बाहर रहेंगे। नहीं वो ठीक ही केजरीवाल जी कह रहे हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम केंद्र की मोदी जी सरकार ने किया पिछले 5 वर्षों में, इस बार जनता को वोट की चोट से इनको साफ करना चाहिए, हटाना चाहिए सत्ता से, तभी जनता का राज, गरीबों का राज आएगा। और ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की है, गरीबी और अमीरी की है, इसलिए इस लड़ाई में जनता साथ है। PM ने बंगाल में कहा कि बंगाल के लोगों को TMC से खतरा, बंगाल की पहचान भी खतरे में, आज पूरा देश बंगाल को लेकर चिंतित है, आए दिन हिंसा रोते रहती है बंगाल में और BJP कार्यकर्ता। बंगाल की चिंता करने के लिए मातृत्व शक्ति ममता दीदी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी गुजरात में सीट जीत नहीं पा रहे हैं, बंगाल में डोरे डाल रहे हैं, तो बंगाल की चिंता छोड़ दें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब बोरिया बिस्तर समेट ले, जाने का समय आ गया।